तो गाइस अगर आपको सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग अच्छी तरीके से करनी है यानी उनकी फिनिशिंग अगर आपको अच्छी लानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से वाइंडिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाइंडिंग हमने किया है। तो आपको वाइंडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट देखें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिब रिजवी और आप देख रहे हैं RS इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो गाइस जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी इसकी वाइंडिंग किया है हमने, तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, तो आपको चलिए पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा कटिंग पेपर है, देखिए कटिंग पेपर है सीलिंग फ़ैन के लिए, मैंने कटिंग पेपर मंगवाया, इसमें लगा के भी रखा है। तो आपको सबसे पहले चीज़ आपने कटिंग पेपर लगा के वाइंडिंग करिए तो आपकी वाइंडिंग काफ़ी अच्छी आएगी। अगर आप वो काट के भी लगाते हैं तो उससे भी वाइंडिंग अच्छी आती है, लेकिन जो कटिंग पेपर होता है उससे कुछ ज़्यादा ही फिनिशिंग आती है और सेपरेटर लगाने में भी आपको आसानी रहती है। तो अगर आपको ये पेपर मंगवाना है तो आपको कहाँ से ये पेपर को ऑर्डर करना है उसकी वीडियो हमने बना रखी है, आप उसको जाके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो पेपर मंगवाने के लिए नंबर हमने दे देंगे तो वहाँ से आप कॉल करके आप ये पेपर मंगवा सकते हैं, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पेपर है, ये हैवी क्वालिटी का पेपर है, 7 नंबर का, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मैं जब से ये आया मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, मैंने और भी पेपर मंगवाया है। तो आपको सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि आपको कटिंग पेपर जहाँ तक हो सके आप कटिंग पेपर लगाइए। दूसरी बात यह है कि आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप किसी भी वाइंडिंग मशीन पे वाइंडिंग करें तो आपको इस चीज़ ध्यान में लेना है कि आपको कुछ इस प्रकार से आपको उंगली कर लेनी है, और वाइंडिंग जब होता रहे तो आपको इस प्रकार से इस तरह से करते रहना है। और दूसरी बात को आपको वाइंडिंग को थोड़ा सा टाइट रखना है, आप वाइंडिंग टाइट रखेंगे और इस तरह से करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छी वाइंडिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आपको मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर किया, तो ये आप करिए, आपकी भी आप सीलिंग फैन की अच्छी वाइंडिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।